दोस्तों आज की वीडियो है पोको के C55 की। दोस्तों इस फोन को लॉन्च हुए कुछ टाइम हो चुका है। मुझे इस वीडियो का बनाने का रीजन ये है दोस्तों कि ये फोन काफी टाइम से डिमांड में चल रहा है। दोस्तों इस फोन को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं और काफी लोग ले भी रहे हैं। ये फोन काफी कम प्राइस में मिल रहा है और काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में फोन आ रहा है। तो दोस्तों मैंने ये फोन आपके लिए खरीदा है ताकि कि आपके लिए एक अच्छी वीडियो दे सकूं ये क्यों इतना डिमांड में फोन चल रहा है और क्यों लोग इसको खरीद रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों पहले हमें ये फोन मिलेगा, फोन को हम बाद में देखेंगे और देखते हैं और क्या क्या मिलता है। दोस्तों एक डब्बा मिलेगा, डब्बे में दोस्तों ये इसकी सिम इजेक्टर टूल मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और देखते हो दोस्तों डब्बे में क्या आता है। तो दोस्तों डब्बे में ये यूजर मैनुअल मिलेगी, ये आप देख सकते हो, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये इसकी केबल मिलेगी जो कि माइक्रो यूएसबी वाली है, ये आप देख सकते हो, इसमें टाइप सी वाली केबल नहीं मिलती है। दूसरा दोस्तों ये इसका चार्जर मिलेगा जो कितने वॉट का है मैं आगे आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये था इसके साथ में आने वाला सामान। अब बात करते हैं फोन की। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के बिल्ट इन डिजाइन की। दोस्तों डिजाइन देखने में काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, काफी पतला ये स्मार्टफोन है और पीछे की तरफ दोस्तों आपको लेदर डिजाइन मिलेगा, पर दोस्तों ये लेदर नहीं है, इसमें प्लास्टिक ही मिलने वाली है, पर देखने में दोस्तों ये लेदर डिजाइन लग रहा है, ये आप देख सकते हो। और दोस्तों कहीं से भी ये फोन दब नहीं रहा है, काफी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी भी लग रही है। पर दोस्तों ये जो मेरे को प्लास्टिक लग रही है ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं लग रही है। ऊपर की तरफ दोस्तों ये ग्लास टाइप का आपको मिलता है कैमरे के साथ में, ये आप देख सकते हो। और दोस्तों काफी अच्छी लुक के साथ में आता है, यहाँ पे पोको लिखा हुआ है। दोस्तों इधर पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, दो कैमरे मिलेंगे फ्लैश के साथ में। तो दोस्तों ये है इसका बैक की तरफ। अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की। तो ऊपर की तरफ दोस्तों आपको 3.5mm का जैक मिलेगा, ये आप देख सकते हो। साइड में दोस्तों इसमें आपको वॉल्यूम का बटन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसके नीचे पावर का बटन मिलेगा। और नीचे की बात करें तो दोस्तों इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है, टाइप सी इसका पोर्ट मिलता है, और इधर की तरफ इसमें माइक मिलता है। और दोस्तों इसमें सिम ट्रे साइड की तरफ मिलती है। दोस्तों इसमें आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। हाँ दोस्तों इसमें मेमोरी कार्ड लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। और सामने की तरफ बात करें दोस्तों तो इसमें वाटर ड्रॉप पाउच वाला आपको कैमरा मिलेगा। मेरे को इतना भारी फोन नहीं लग रहा है और हाथ में भी पकड़ने में काफी कंफर्टेबल है दोस्तों, ना इतना मोटा है ना ज्यादा भारी है। दोस्तों काफी अच्छा ये स्मार्टफोन लगा है मेरे को पकड़ने में बिल्ट इन क्वालिटी के हिसाब से। तो दोस्तों अब मैं इस फोन को पूरा सेटअप कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं फोन की। दोस्तों मैंने इस फोन को पूरा सेटअप कर लिया है। बात करें दोस्तों इस फोन की डिस्प्ले की, तो इसमें मिलती है दोस्तों 6.71 इंच की IPS LCD डिस्प्ले जो कि दोस्तों HD+ डिस्प्ले है। दोस्तों ये डिस्प्ले पांडा ग्लास के साथ में आती है, तो अच्छी खासी आपको प्रोटेक्शन डिस्प्ले में मिलेगी। बात करें दोस्तों इस फोन के बेजल की, तो आपको थोड़े इसमें मोटे बेजल मिलने वाले हैं। साइड में आपसे देख सकते हो दोस्तों इसमें मोटे बेजल मिलते हैं। और ऊपर की तरफ दोस्तों मैंने आपको बताई देता है इसमें वाटर ड्रॉप नॉच वाला आपको कैमरा मिलता है, और नीचे की तरफ दोस्तों काफी मोटे इसमें बेजल मिलता है, आप देख सकते हो। दोस्तों ये इसके बेजल है कुछ जो कि इस टाइप के मिलने वाले हैं। दोस्तों इस प्राइस रेंज में पांडा ग्लास मिल रहा है, ये मेरे को इसमें काफी अच्छी चीज लगी है। दोस्तों इसकी ब्राइटनेस मेरे को कहीं पता नहीं चली है, पर आपको मैंने इस टाइम फुल ब्राइटनेस कर रखी है। दोस्तों ब्राइटनेस भी जो इस हिसाब का दोस्तों ये फोन है जितने प्राइस रेंज में मिल रहा है, मेरे को इसकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी लगी है। ये दोस्तों कुछ इस टाइप का ही फोन है, आप देख सकते हो, जो आपको इतनी ब्राइटनेस इसकी मिलेगी। अब मैं दोस्तों इसके आपको डिस्प्ले के कलर दिखा देता हूँ कितने मिलते हैं, किस क्वालिटी में, दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम इसमें 4K मैंने वीडियो लगा रखी है जो हम फुल HD तक देख सकते हैं। दोस्तों फुल HD क्वालिटी में देख सकते हैं, इसमें 4K वीडियो सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों मैं इसमें HD क्वालिटी कर देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हो HD क्वालिटी में कुछ आपको इतनी मिलेगी। दोस्तों इसके कलर मेरे को सच में काफी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इसमें HD+ डिस्प्ले मिलती है। तो दोस्तों कलर इसके काफी अच्छे निखर के आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो। दोस्तों साइड से भी दोस्तों ये इसके डिस्प्ले के कलर काफी अच्छे लग रहे हैं दोनों साइड से। तो दोस्तों कलर आप ये देख सकते हो, कलर आपको कुछ इस टाइप के इसके मिलेंगे। दोस्तों कलर के मामले में सच में फोन मेरे को काफी अच्छा लगा है जिस प्राइस में मिल रहा है, पर और थोड़ा अच्छा हो सकता था। इस फुल HD+ डिस्प्ले देते तो दोस्तों और ज्यादा बेटर रहता। HD+ डिस्प्ले मिलती है तो दोस्तों ये बोलूंगा आपको ठीक ठाक इसकी डिस्प्ले मिलती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका फुल वॉल्यूम सुना देता हूँ कितना आता है। ये मैंने दोस्तों एक सॉन्ग लगा रखा है, मैं इसकी इस टाइम फुल वॉल्यूम कर रहा हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। दोस्तों इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की तरफ, उसकी वॉल्यूम आप सुनिए कैसी आती है। दोस्तों अब मैंने इसकी वॉल्यूम 50% कर दी है, 50% पे सुनाता हूं आपको कितनी वॉल्यूम आती है। तो दोस्तों अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो बहुत ज्यादा आपको इसकी वॉल्यूम लाउड नहीं मिलती है, और 50% पे तो दोस्तों बहुत ही कम इसमें वॉल्यूम मिलती है।
तो दोस्तों इतना ज़्यादा इसका स्पीकर अच्छा नहीं है। वॉल्यूम के मामले में दोस्तों ना इतनी आपको इसमें बेस वाली साउंड मिलेगी और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें क्लियर साउंड मिलेगी और ना ही ज़्यादा लाउड मिलेगी। इसका दोस्तों स्पीकर आप एवरेज क्वालिटी का स्पीकर मान सकते हो, आपको बिल्कुल इसमें एवरेज क्वालिटी का ये स्पीकर मिलता है। पर दोस्तों ये फोन सच बताऊंगा चलाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। पोको ने दोस्तों इस प्राइस रेंज में भी काफ़ी अच्छी डिस्प्ले दी है, चलाने में काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो इसमें दोस्तों 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा मिलता है। एक मिलेगा दोस्तों आपको ऊपर की तरफ 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि आता है f/1.8 अपर्चर के साथ में वाइड कैमरा। दूसरा दोस्तों इसमें 0.8 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि डेप्थ कैमरा है। दोस्तों इसके जो कैमरे हैं वो फुल एचडी तक वीडियो ले सकते हैं, वो भी 30fps पे। दोस्तों मैं इसकी आपको कुछ फोटो क्वालिटी दिखा देता हूं। दोस्तों ये इसके फ्रंट के कैमरे की क्वालिटी है जो आप कुछ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा दोस्तों इतनी शार्प नहीं आती है, कलर भी थोड़े ओवर कर देता है इसका फ्रंट वाला कैमरा। फ्रंट वाले कैमरे की बात करें दोस्तों ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि दोस्तों ये भी कैमरा फुल एचडी तक वीडियो ले सकता है, वो भी 30fps पे। दूसरा दोस्तों ये बैक का कैमरा है, ये आप देख सकते हो। बैक के कैमरे की क्वालिटी आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी। ये भी दोस्तों मेरे को ठीक लगा है, 50 मेगापिक्सल के हिसाब से दोस्तों थोड़ा और अच्छा करना चाहिए था। ये भी दोस्तों बैक वाला, इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हो इतनी आपको डिटेल तो नहीं मिलेगी और ना ही दोस्तों इतने एक्यूरेट इसके कलर आते हैं, पर दोस्तों फिर भी बोलूंगा ठीक ठाक इसका कैमरा है। तो दोस्तों ये थे इसके कैमरा क्वालिटी और कैमरे के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो इसमें मिलता है दोस्तों मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर जो कि दोस्तों 12nm का है। 12nm का दोस्तों काफी ज्यादा पावर लेता है, पर दोस्तों इस प्राइस रेंज में ज्यादातर आपको फोन में यही प्रोसेसर मिलता है। और दोस्तों इसकी मेरे को परफॉर्मेंस जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है, मैंने काफी सारे और फोनों को भी देख रखा है, तो मेरे को ठीक ठाक इसकी परफॉर्मेंस लगी है। बाकी दोस्तों इस प्रोसेसर को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करा है कंपनी ने, ठीक से तभी बता पाऊंगा जब मैं इसकी एक रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है प्रोसेसर की। और दोस्तों ये एंड्रॉइड 12 पे चलता है, पर इसको अपग्रेड एंड्रॉइड 13 पे आप कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे को यही कमी लगी है, ये बहुत पुराना सेट नहीं है, तो इसमें एंड्रॉइड 13 आना चाहिए था, कंपनी ने देना चाहिए था, पर दोस्तों ये फोन एंड्रॉइड 12 के साथ में ही आता है। अब बात करें दोस्तों इस फोन की कनेक्टिविटी की, तो इस में मिलता है वाईफाई मिलती है दोस्तों, ब्लूटूथ मिलता है 5.0। दोस्तों इस फोन में आपको NFC नहीं मिलेगी और इसमें रेडियो मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो माइक्रो USB केबल मिलेगी वो मिलेगी 2.0। तो दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी ब्लूटूथ बोलूंगा दोस्तों आपको 5 मिल रहा है, इसमें 2 या 3 नहीं मिल रहा है, ब्लूटूथ 5.3 या 5.2। ब्लूटूथ भी आपको बहुत ज्यादा इसका अच्छा नहीं मिलने वाला है। और जो दोस्तों इसका वाईफाई क्वालिटी है, वाईफाई मेरे को दोस्तों इसकी बहुत अच्छी नहीं लगी, ठीक ठाक क्वालिटी की लगी है, बहुत ज्यादा रेंज नहीं मिलती है, ठीक ठाक मिलती है दोस्तों, इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी वाईफाई का नहीं रहता है, मैंने इसकी वाईफाई चेक करके देखी है। बात करें दोस्तों इसकी बैटरी की, तो कंपनी इसमें 5000mAh की बैटरी देती है और इसके साथ में जो दोस्तों चार्जर मिलता है 10W का चार्जर मिलता है और ये फोन 10W के चार्जर को सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों 5000mAh की बैटरी है तो ठीक ठाक आपका दिन भर चल जाएगी। और दोस्तों जो इसमें 10W का चार्जर मिलता है वो थोड़ा स्लो है 5000mAh की बैटरी के हिसाब से। दोस्तों थोड़ा अपग्रेड दोस्तों इसका चार्जर देना चाहिए था, कम से कम 20W का या दोस्तों 15W का तो देना चाहिए था, पर कंपनी ने 10W का इसमें दिया है चार्जर। तो दोस्तों फुल एक आपको एक इसका रिव्यू लेकर आऊँगा बहुत ही जल्द, जिसमें दोस्तों इसकी कितनी बैटरी चलती है, इसका प्रोसेसर की कैसी पावर है, इसका कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा और वो ये वाला फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं वो भी दोस्तों उस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अब बात करूँ अगर इसके प्राइस की, तो वो स्टार्ट हो रही है दोस्तों 3GB रैम में भी दोस्तों ये फोन मिल रहा है, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ में। तो दोस्तों 8000 रुपये का लगभग आपको ये फोन मिल सकता है, पर दोस्तों इतना कम मत लेना, आप कम से कम इसकी 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला लेना जो कि आपको ठीक ठाक दोस्तों ये फोन चल जाए, कहीं भी दोस्तों ये फोन अटके ना या लैग ना करे। अगर बात करूं दोस्तों इसके 64GB स्टोरेज और 4GB रैम वाले की, तो वो कितने का पड़ रहा है, तो दोस्तों वो मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया है जो मेरे को 8500 रुपये का पड़ा है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।